उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता रहे अमर मणि त्रिपाठी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। त्रिपाठी के महाराजगंज के नोतनवा स्थित आवास और ऑफिस पर बस्ती MP MLA कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने कुर्की की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की चल अचल संपत्ति की कुर्की हो रही है। पूर्व मंत्री के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई MP MLA कोर्ट के आदेश पर हो रही है। जाँच पड़ताल के बाद उनके ऑफिस के दो कमरों को सील कर दिया गया। बस्ती के अपहरण कांड के 22 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इसी मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। उनके आवास पर मौजूद लोगों से भी प्रशासन के लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2001 को बस्ती जनपद के रहने वाले व्यापारी धर्मराज मुद्देशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तलाश की तो व्यापारी का बेटा लखनऊ के एक आवास से बरामद हुआ, जो तत्कालीन मंत्री अमर मणि त्रिपाठी का था। इस मामले में अमर मणि समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल से छूटने के बाद भी MP MLA कोर्ट में वो हाजिर नहीं हुए। इस मामले में कई बार कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। कुछ दिन पहले नाराज होते हुए कोर्ट ने DGP और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश से इस मामले में जल्दी कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर बस्ती जनपद की पुलिस और नौतनवा की राजस्व टीम उनके आवास और कार्यालय पर पहुंची और जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने में जुट गई। टीम में SDM नौतनवा नंद प्रकाश मौर्य और कोतवाली बस्ती के इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव के अलावा राजस्व टीम मौजूद है। नौतनवा कस्बा स्थित अमर मणि त्रिपाठी का आवास पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। टीम ये भी पता लगा रही है कि पूर्व मंत्री के नाम से कितनी संपत्ति है और उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। आपको बताते चलें, अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा से विधायक भी रह चुके हैं।